ये हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक गुप्ता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा लेक्चर है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल पे। उसका सब टॉपिक है इन्वेंटरी कंट्रोल, जिसमें कि सब टॉपिक है मेरा मॉड्यूल वन का ईओक्यू विद द इंस्टेंटेनियस स्टॉक रिप्लेसमेंट का। ओके, तो ये जो टॉपिक है इसको स्टार्ट करने से पहले आप ये जो फॉर्मूला है एक बार देख लीजिए। ओके, मैंने सिखाया है ये फॉर्मूला पहले भी, ओके, मेरे लास्ट लेक्चर में, और उसके ऊपर मैंने सम लिया है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, जो एग्जाम में सम आया मुंबई यूनिवर्सिटी के, वो मैं यहाँ पे लेने जा रहा हूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द सम। देखिए, सम जो है एग्जाम में आया है वो आया है मई। ओके, समर के अंदर, समर मई 2008, क्वेश्चन नंबर 5B 4, 12 मार्क्स को ये सब आया है एग्जाम में। ओके, देखिए सम क्या है वो एग्जाम में। सम बोल रहा है द एनुअल, सम क्या है ये, द एनुअल डिमांड इन अ पर्टिकुलर आइटम। ओके, ये सम है एनुअल डिमांड इन अ पर्टिकुलर आइटम बाय कंपनी इज कितना दिखा है, 10,000। कितना है, 10,000 यूनिट। दिस आइटम मे बी ऑप्टेन फ्रॉम एन आउटसाइडर सप्लायर और सब्सिडरी कंपनी। द रिलेवेंट डेटा फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ आइटम इज गिवन बिलो। क्या दिया है, देखिए कॉस्ट दिया है यहाँ पे फ्रॉम आउटसाइड सप्लायर फ्रॉम द सब्सिडरी कंपनी। ठीक है, दोनों से मुझे यहाँ पे दिया हुआ है, कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ रिसीविंग ऑर्डर दिया हुआ है, स्टोरेज एंड ऑल कैरिंग कॉस्ट दिया हुआ है, कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। पूछा गया आपको व्हाट द परचेस ऑफ क्वांटिटी एंड फ्रॉम विच सोर्स यू विल रिकमेंड टू प्रोक्योर। सेकंड बोला है व्हाट शुड बी द मिनिमम टोटल कॉस्ट इन दैट केस। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या क्या दिया है यहाँ पे। सम में दिया है मुझे यहाँ पे, सम में मुझे पहले दिया है टोटल एनुअल कॉस्ट, गिवन डेटा जो है वो दिया है मुझे, गिवन D इज इक्वल टू 10,000 यूनिट का डिमांड है आपका। द आइटम मे बी क्या कर सकते हो आप लोग, प्रोक्योर कर सकते हो या फिर सब्सिडरी कंपनी से ले सकते हो। तो वहां पे डेटा दिया हुआ है मुझे कंपनी का, दोनों कंपनी का क्या क्या दिए देखिए। ओके, सबसे पहले मैं करता हूँ आउटसाइड सप्लायर्स का देखता हूँ। ओके, ठीक, क्या करता हूँ मैं सबसे पहला आउटसाइड सप्लायर का देखता हूँ, सप्लायर का। ओके, नाउ तो क्या दिया पे, कॉस्ट पर यूनिट दिया है 12, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर एंड कॉस्ट ऑफ रिसीविंग एन ऑर्डर, ये दोनों क्या होगा सेम होता है, इक्वल टू सीओ ऑर्डर प्लेसिंग, मतलब 10 + 20 ये होगा सीओ ऑर्डर, सीओ कॉस्ट क्या, ऑर्डरिंग कॉस्ट, क्या उसको बोलते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ एंड स्टोरेज एंड ऑल कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, मतलब ये होगा आई, क्या होगा ये कॉल्ड एज अ कैरिंग कॉस्ट। ओके, सब मिला के दिया पे, आई भी इंक्लूड किया है, स्टोरेज एंड ऑल कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, मतलब इसमें आई भी इंक्लूड, ये होगा सीसी, कितना दिया है 2। ओके, सब दिया है इन रुपीज में। तो देखिए सबसे पहले हम लोग करेंगे यहाँ पे, ओके, यहाँ पे दो डिवाइडेशन कर देता हूं मैं। नाउ सबसे पहला मैं लिखता हूं यहाँ पे आउटसाइड सप्लायर, ओके, फ्रॉम आउटसाइड सप्लायर, फ्रॉम आउटसाइड सप्लायर, क्या बोला आपको, कॉस्ट पर यूनिट जो बोला है सीपी, ओके, कॉस्ट पर यूनिट जो बोला है ये है रुपीज 12 पर यूनिट और पर पीस यू कैन से, और जो बोला है ऑर्डरिंग कॉस्ट दो दिया है, ऑर्डर प्लेसिंग एंड ऑर्डर रिसीविंग बोला है, कितना होगा ये रुपीज 10 प्लस रुपीज 20 हो जाएगा रुपीज 30 पर ऑर्डर। देन आपको बोला कैरिंग कॉस्ट सी दिया है रुपीज 2 पर यूनिट। ओके, नाउ ये आपको दिया है फ्रॉम द आउटसाइड सप्लायर का। सिमिलरली यहां पे लिखा है मेरे पास है फ्रॉम सब्सिडरी, ओके, सिस्टर कंपनी के थ्रू आपके
सब्सिडरी कंपनी। कितना दिया है? कॉस्ट जो दिया है, कॉस्ट पर पीस जो आपके सिस्टर कंपनी से आएगा वो है ₹13 पर यूनिट। और सीओ जो है वो कितना दिया है? 10 + 15 दैट इज होता है रुपीज, कितना हो जाएगा ये? 25 पर ऑर्डर। देन स्टोरेज एंड ऑल कॉस्ट सीसी हो जाएगा मेरा, तो सेम है क्योंकि आप स्टोर कर रहे हो पर यूनिट। ओके, स्टोरिंग आपके पास से करके दोनों सेम है ये। नाउ तो हम लोग को वहाँ पे चेक कर रहे हैं, हम लोग चेक किस करेंगे? ऑन द बेसिस पे करेंगे, हम लोग ऑन द बेसिस करेंगे इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी के बेसिस पे करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द सम नाउ। तो इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी और इकोनॉमिकल बैच साइज कितना होगा? ईओ क्यू दैट इज क्यू स्टार इज इक्वल टू, फॉर्मूला है उसका अंडर रूट ऑफ 2DCO बाय CC। क्या है? रूट ऑफ 2DCO बाय CC। आप पे आपको D पता है आपको कितना है? यस पता है वैल्यू ऑफ D। द वैल्यू ऑफ D इज माय 10,000। CO कितना है मेरा? ऑर्डरिंग कॉस्ट 30। कैरिंग कॉस्ट कितना मेरा? 2। तो मुझे यहाँ पे आंसर आएगा इसका, कितना आएगा आंसर? ये आता है मेरा आंसर 547.72 यूनिट। आपको क्या करना है? ऑर्डर प्लेस करना है टू द आउटसाइड सप्लायर को। नाउ नेक्स्ट आएगा मेरा ऑप्टिमम और मिनिमम। ओके, ऑप्टिमम टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ऑप्टिमम वेरिएबल कॉस्ट दैट कॉल्ड एज द टीवीसी मिनिमम। फॉर्मूला है मेरे पास उसका 2DCO इंटू CC। अगेन वहां पे D कितना है मेरा? पता है D 10,000। CO कितना है मेरा? ऑर्डरिंग कॉस्ट इतना है 30। कैरिंग कॉस्ट कितना है? ₹2। तो ये आता है मेरा इसका वैल्यू ₹1,095.45। ओके TVC। नाउ इसके बाद आएगा मेरा टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। क्या आएगा? टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट वो होता है परचेस कॉस्ट दैट इज D इंटू CP प्लस TVC मिनिमम। ओके, परचेस कॉस्ट इंटू TVC मिनिमम। पता है आपको D कितना है? यस पता है 1,000। CP पता है कॉस्ट पर यूनिट 12। तो इसको करोगे तो 10,000 इंटू 12 प्लस 1,095.45, तो आंसर आएगा आपका ₹12,1095.45। ये आपका आंसर आएगा यहाँ पे। ओके नाउ अभी यहाँ पे चेक करेंगे फ्रॉम द आउटसाइड, सॉरी सब्सिडरी सप्लायर आपके सिस्टर कंपनी से कितना मिल रहा है। सेम अगेन ईओ क्यू इट्स कॉल्ड एज अ क्यू स्टार। क्यू स्टार है आपका रूट ऑफ 2DCO अपॉन CC। ओके, वही फॉर्मूला होगा। यहाँ पे D कितना है? सेम है D, मॉडल वन करके D सेम होता है 10,000। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है इसका? 25। कैरिंग कॉस्ट कितना है इसका? 25। तो इसका आंसर तो कितना आता है यहाँ पे? 12 से भी जाओगे, सिंपल है करके, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ इसको मैं। ओके, आप कर लीजिए यहाँ पे आपके एंड पे ना। तो ये हो जाएगा, ये बोल रहा है 500 यूनिट आप लीजिए एक ऑर्डर में। देन दूसरा मेरा TVC मिनिमम कितना आएगा? ओके, टोटल वेरिएबल कॉस्ट ये होगा रूट ऑफ 2DCO इंटू CC। मुझे पता है वैल्यू D कितना है 10,000। CO पता है मुझे 25। CC पता है 2। तो मुझे आंसर आएगा इसका कैलकुलेट करने के बाद, ये आता है मेरा आंसर ₹1,000। देन उसके बाद टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट होगा परचेस कॉस्ट दैट इज D इनटू
सीपी प्लस टीवीसी मिनिमम, तो डी कितना है मेरा 10,000 है, डिमांड कॉस्ट कितना है एक पीस का 13 रुपये ले रहा है मेरे से वो, ओके सब्सिडी कंपनी, ओके ये और प्लस टीवीसी, तो ये आ जाएगा आंसर मेरा 1,31,000, ओके 1,31,000 तक आया। तो कौन महंगा पड़ रहा है यहाँ पे आपको समझ रहा है कि सब्सिडी कंपनी से लूंगा तो कितने में पड़ेगा 1,31,000 में, जबकि मैं अपने आउटसाइड सप्लायर से लूंगा तो पड़ेगा 1,21,095, ओके 0.45 पैसे में पड़ेगा। तो देखोगे तो डिफरेंस कितना हो रहा है, तो डिफरेंस जो होगा लॉस टू द कंपनी अगर आपने सब्सिडरी कंपनी से लिया तो कितना लॉस होगा आपको, ये होगा 1,31,000 माइनस 1,21,095, तो ये लिख लोगे आप, इसका वैल्यू आएगा आपको 54, ओके तो ये आपको कुछ वैल्यू यहाँ पे आएगा, कुछ तो नियर बाय आपका 9,000 आपको यहाँ पे बच जाएगा। तो आप लोग क्या करोगे यहाँ पे, किससे लोगे आप लोग, आप लोग लोगे फ्रॉम द आउटसाइडर सप्लायर से आप लोग लोगे इसको, ओके तो ये रहा सम ऑन द मॉडल 1। ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।